अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर भारत की ताकत देखने को मिली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO के शिखर सम्मेलन में शिरकत की थी, जहां भारत के वाराणसी को लेकर बड़ा फैसला किया गया। दरअसल अगले साल भारत SCO समिट की मेजबानी करने वाला है। इसी कड़ी में भारत की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। SCO शिखर सम्मेलन में PM मोदी के साथ उज्बेकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को SCO समिट की अगले साल मेजबानी के लिए बधाई दी। वाराणसी के हिस्से में ये सफलता आने के बाद विदेश सचिव विनय पात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी वर्ष 2022-23 के दौरान वाराणसी को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में समर्थन देने के लिए सभी सदस्य देशों का धन्यवाद किया। इसके तहत 2022-23 में वाराणसी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें SCO के सदस्य राज्यों से मेहमानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इन आयोजनों में भारत विद्वानों, लेखकों, संगीतकारों और कलाकारों, फोटो जर्नलिस्ट, ब्लॉगर्स और अन्य अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही SCO देशों और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। SCO 8 देशों की सदस्यता वाला एक आर्थिक एवं सुरक्षा गठबंधन है, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान ने इसकी सदस्यता ली थी। इस पूरे खबर पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।